शामली कोतवाली के माजरा रोड पर पेस्टिसाइड विक्रेता की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है, जबकि मेरठ में तैनात एक पुलिसकर्मी और उसके दो साथी अभी हत्या के बाद से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। हम आपको बता दें, 20 मई को दिन दहाड़े शामली के माजरा रोड पर पेस्टिसाइड विक्रेता अमित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। एक माजरा रोड पर किसान सेवा केंद्र में बैठे अमित बालियान नामक एक युवक की कुछ बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये करीब 1:30 बजे के आसपास की घटना है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी। आवश्यक कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी दरमियान हमें ये नामजद अभियुक्त जो अभी आपके सामने आया था, सुमित उर्फ जॉन और इसकी बहन, इसका नाम पूजा है, इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें 3 और अभियुक्त अभी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने पे बात सामने आई है कि जो ये सुमित उर्फ जॉन है, ये पूजा का भाई है। पूजा की शादी मृतक से करीब 2-2.5 साल पहले हुई थी और पिछले 1.5 सालों से मृतक इस पूजा नाम की महिला को, जो उसकी पत्नी थी, उसको परेशान कर रहा था, ऐसा इनका कहना है। और इनमें घरेलू हिंसा इत्यादि का पहले से केस भी चल रहा था। बार बार परेशानी से तंग आ करके इसकी बहन पूजा का कहना है कि इसने अपने भाई को ललकारा कि तुम्हारी बहन को इतना परेशान किया जा रहा है, तुम उसकी मर्दानगी पे उसने सवाल खड़े किए। उसने कहा कि तुम कैसे भाई हो, मैं तुम्हें राखी की सौगंध देती हूँ, तुम अपने बहन का दुख दूर करो और इस आदमी को रास्ते से हटाओ। इस तरह की बातें इसमें सामने आई हैं और इसी आक्रोश में इसी तरह से इन्होंने प्लानिंग किया। एक विजय सिंह नामक सिपाही है जो मेरठ में तैनात है, उसका भी नाम इसमें नामजद अभियुक्त के रूप में दर्ज है और उसका भी नाम इन्होंने लिया है। उनका कहना है कि उसकी मदद लेकर के और विजय सिंह अपने 2 अन्य साथियों को भी साथ लेकर आया था। तो इस प्रकार से 4 लोग घटनास्थल पर गए थे और सुमित ने गोली मार करके अपने जीजा की, अमित की, हत्या कर दी थी। बाकी लोग वहां से मौके से फरार हो गए थे। जो मेरठ से आए थे वो फिरौती देकर किस तरीके से, मेरठ से ये जो विजय सिंह का नाम मैं ले रहा हूँ, सिपाही है मेरठ में, ये इसी गांव का रहने वाला है, जिस गांव का मृतक है उसी गांव का रहने वाला है। और उसका भी इस महिला पूजा से अच्छे संबंध थे, मित्रता थी, ये बात भी प्रकाश में आई है। और इन सब ने योजना बना करके और विजय सिंह के द्वारा 2 अन्य लोगों को भी मेरठ से लाए जाने की बात आई है, जिसमें किसी सुपारी किलिंग की बात नहीं आ रही है। इन दोनों ने मिल करके, इन सभी का मोटिव यही था कि अमित को रास्ते से हटा दिया जाए। जीजा की हत्या की क्या मामला रहा, जो मतलब इस तरह की घटना की? पिछले 1 साल से मेरी बहन घर पे थी गांव में, हमारे यहाँ के, कितनी बार समझाने की कोशिश करी, तो मेन कारण बहन को परेशान करना। छोटा भाई जो उसका था वो बहन के साथ में बदतमीजी करता था, कई बार बदतमीजी करी। इस विषय में उसको समझाया भी गया, बताया भी गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, जैसे बदतमीजी की आपकी बहन के साथ पहले भी कहा सुनी हुई, 1-1.5 साल से जैसे परेशान चल रहे थे आपकी बहन आपके घर, तो पुलिस में DM के या कुछ किसी अधिकारी के पास गए थे? केवल उस मान सम्मान के लिए, किसी के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, पहले भी आप बताया, पहले भी आपने धमकी दी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई धमकी दी थी आज तक, कोई भी बदतमीजी वाला वर्ड भी उनके साथ में यूज नहीं करा। उकसाया किसी ने नहीं, ना कोई उकसाने वाले, केवल मान सम्मान के लिए।